वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और क्लिंटन के दरमियान ऐलान वाशिंगटन। जून 1999 में पाक भारत ताल्लुकात अचानक कशीदगी का शिकार हो गए जब कश्मीर के इलाके कारगिल पर मुजाहिदीन के बड़े ग्रुप ने कब्जा कर लिया। पाक भारत एटमी जंग का खतरा पैदा हुआ तो तनाजे को हल करने के लिए बिल क्लिंटन ने अमेरिका में आज़ादी की तातीलात के बावजूद मियां नवाज शरीफ से मुलाकात का फैसला किया। पैगाम मिलते ही 3 जुलाई की रात मियां नवाज शरीफ अचानक PK-761 के जरिए अमेरिका रवाना हो गए। 4 जुलाई 1999 को बिल क्लिंटन और नवाज शरीफ के दरमियान मुजाकरात के 3 दौर हुए जिसमें 2 मरतबा 1-to-1 मुलाकात हुई। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने कहा कि ये मुलाकात नवाज शरीफ की ख्वाहिश पर हुई है। क्लिंटन ने नवाज शरीफ से पहले भारतीय वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी से 2 मरतबा बात की मगर वाजपेयी ने अमरीका जाने से माजरत कर ली। अमरीकी सदर बिल क्लिंटन और नवाज शरीफ के दरमियान 3 घंटे के मुजाकरात के बाद मुश्तरका ऐलामिया जारी किया गया जिसमें इत्तफाक किया गया कि कश्मीर के इलाके कारगिल में जारी जंग खतरनाक है। जनूबी एशिया में अमन के लिए 1972 के शिमला माहदे के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल का एहतराम नहायत जरूरी है। मियां नवाज शरीफ ने कारगिल से फौजें निकालने का हुक्म दिया तो अपोजिशन जमातें नवाज शरीफ हटाओ एक निकाती एजेंडे पर मुत्तफिक हो गयी। आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा कि फौजें निकालने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बेनजीर भुट्टो ने कहा कि हुकूमत दबाव में आकर कारगिल सेक्टर खाली न करे। ऐलान वाशिंगटन को पाकिस्तान के अवाम सियासी जमातों और एस्टेब्लिशमेंट ने पसंद नहीं किया। 4 जुलाई 1999 को होने वाला ये मुआहदा नवाज शरीफ के जवाल का सबब बन गया।